हेलो मेरे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रेयर कलेक्टेबल 1 रुपी बंडल में सबसे एक्सपेंसिव सीरीज लेके आया हूँ। 7786 इसको कहते हैं, जिसमें ना सिर्फ सारे 100 नोट की जो स्टार्टिंग है वो 786 से होगी, बट एक विशेष नोट निकलेगा जो होगा 786786। मैंने भी वीडियो में ये नोट दिखाने के लिए इसको अलग से निकाला है। इसमें नीली पट्टी थी, दैट मीन्स इसमें एक स्टार का नोट भी निकलेगा, बट एनी विच वेज इसमें ये नोट तो है ही 786786, जो सबसे महंगा होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको अकेले को ही सेल कर देते हैं और आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। बाकी 99 नोट वो 200-250 रुपये के हिसाब से, अगर कंडीशन ऐसी है तो आराम से बिक जाता है। बाकी इस एक नोट को वो अलग से बेचते हैं और उसका भी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना होता है वो आप चेक करें। मैं कभी रेट की बात नहीं करता, क्योंकि मेरे जो सारे वीडियो सिर्फ एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होते हैं, बेचने के लिए नहीं होते। आज कोटा में एग्जीबिशन थी और मैंने सुबह बात की थी 3 कलेक्टर से जो वहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, और शाम तक मैंने 5 लोगों से बात कर ली। किसी के पास भी 786 स्टार्टिंग बंडल वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, ये मुझे बताया है टेलीफोन में। हो सकता है उन्होंने गलत बताया हो, पर आप भी अपने एक बार चेक करें। बट ये तो ज़रूर है कि पिछले 3 महीने में 1 रुपी बंडल में, 1 रुपी डिनोमिनेशन में 786 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई है। और हो भी क्यों ना, जितने प्रिंट हो चुके हैं उतने प्रिंट हैं, अब नए प्रिंट तो हो नहीं रहे, और ऐसे बंडल सब रेयर हो गए हैं। तो हमारे पास कलेक्शन आइटम आती रहती है, हर रोज़ आती है, फिर हम कहीं और मूव कर देते हैं। बहुत से कलेक्टर्स लेके आते हैं तो हम वीडियो बनाने के लिए उनसे ले लेते हैं, फिर डिफरेंट लोकेशन में चले भेज देते हैं। तो ये बहुत ही रेयर आइटम है। अगेन मैं बता दूँ, प्रीफिक्स भी अच्छा है इसका, 21E है। 1, 2, 3, 4, 5 अगर ई देखें तो 215 बनता है, अगर आप अल्फ़ाबेट को काउंट करें, ए फॉर 1, बी फॉर 2, सी फॉर डी, सी फॉर 3, डी फॉर 4 एंड ई फॉर 5, तो 215 बनता है यहाँ पे। फिर 786701 के स्टार्टिंग में, और कंडीशन देखें, बहुत ही जेम कंडीशन है, कोई भी निशान नहीं, कुछ नहीं। और होगा भी कैसे, इसको हम प्रॉपरली रैप करके रखते हैं, 2 बार प्लास्टिक में रैप करके रखते हैं, जहाँ से भी आता है वो भी ध्यान से रखते हैं, फिर हम जहाँ जैसे भेजते हैं वो भी जेम कंडीशन में ही भेजते हैं। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए ये नोट ऐसे ओपन किया है, इसको फिर हम प्रॉपरली रैप कर देंगे। नीली पट्टी है तो इसमें एक स्टार नोट भी होगा, मैंने देखा नहीं, क्योंकि जहाँ से बंडल आया है उन्होंने बताया है, तो होगा। मैं इसको पैक करके भी वापस भेज दूँगा कल, पर आप देखें। और अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी हॉबी नहीं है तो भी आप सोचें कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई अगर करना चाहते हैं, तो 1 रुपी डिनोमिनेशन में रेयर सीरियल नंबर्स के कुछ बंडल्स लेके आप रख दें। आने वाले बहुत समय में नहीं, 1 या 2 साल में ही इनके रेट और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, जैसे पिछले 3 महीने में हुई हैं, क्योंकि बहुत से नए एग्जीबिशन में लोग आते हैं और वो अब जो हॉबी लोग करते हैं वो कमर्शियल एंगल से करते हैं। अब हॉबी सिर्फ टाइम पास के लिए या मनोरंजन के लिए नहीं करते वो, अब वो जिस भी चीज़ में टाइम लगाते हैं, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे नोट कलेक्शन हो, करेंसी कलेक्शन हो, कॉइन कलेक्शन हो, स्टैम्प कलेक्शन हो, या मान लो कोई डांस भी सीखता है या कोई पेंटिंग बनाना सीखता है, तो उसमें कमर्शियल एंगल अब आ गया है। सेम गोज फॉर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फेंग शुई, कोई भी आप आइटम ले लें, हर एक में वो बंदा वहीं टाइम लगाता है जहाँ पे उसको कुछ बेनिफिट हो फाइनेंशियल। ठीक इसी तरह से अगर आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करता है कोई, प्रॉपर्टी में करता है, आप कुछ बंडल्स 786 स्टार्टिंग के, 1 रुपी के, या 2 रुपये के, जिनकी प्रिंटिंग बंद हो गई एक्चुअली, उनमें इन्वेस्ट करें। जैसे 500 के बंद हो गए थे पुराने प्रिंट वाले, 2000 के प्रिंट बंद हो गए थे, 1000 के प्रिंट पुराने वाले बंद हो गए थे। ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें जो जिसकी अब सप्लाई है नहीं, डिमांड
इंक्रीज़ हो रही है और डिमांड इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो नए लोग भी इस लाइन में आएंगे उनको भी चाहिए होगा 786, जहाँ पुराना प्रिंट 2000 का, 1000 का, 500 का, 2 रुपये का। बट जो एग्जिस्टिंग प्रिंट में है आप उसमें फ़िलहाल इन्वेस्ट ना करें, जैसे 20 का छपड़ है, 200 का है, 50 का, 100 का, क्योंकि वो प्रिंट हो रहे हैं, होते रहेंगे। तो उसमें जो नंबर है, जैसे उसमें अगर आप 786 लेते हैं, 701, तो उसमें काफ़ी प्रिंट हो गया होगा माल। जैसे सपोज़ आप यही सीरियल नंबर 200 रुपये में लेते हैं, या 20 रुपये में लेते हैं, या 100 में लेते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होगी, ना है अभी, और जब तक वो प्रिंट होना बंद नहीं होता उसकी वैल्यू बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि वो सीरियल आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि RBI हर 6 से 9 महीने में एक सीमित संख्या में नोट प्रिंट करता है, सीमित संख्या में इसलिए ताकि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ ना हो। तो सरकार बहुत सारा प्रिंट नहीं कर सकती, उससे महंगाई बढ़ जाती है, पर एक सीमित संख्या में गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके सरकार नोट प्रिंट करती है, करना भी चाहिए। तो यानी वो सप्लाई आती रहेगी, आ रही है, और जब तक वो पर्टिकुलर प्रिंट छपना बंद नहीं होता और कुछ साल हो नहीं जाते, तब तक वो स्केयर और रेयर नहीं होगा। जैसे ये प्रिंट हुए 2020 में छपने बंद हो गए, 15 से 20 में प्रिंट हुए और 20 के बाद बंद होने हो गए, तो अब ये रेयर हो गया है। ठीक इसी तरह से आप भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ भी अमाउंट अपना, तो अच्छी कंडीशन में रेयर आइटम में इन्वेस्ट करें, उससे आपका वैल्यू अप्रिशिएट होगा। 30 सेकेंड्स का मैं पॉज लूँगा, आप ये बंडल को देखें, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और एक बार आप भी चेक करें गूगल में कि 786701 का क्या खासियत होती है। मैंने तो अपना बेस्ट आपको बता ही दिया है, और आप ये देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल बंडल है। पूरे इसमें 100 नोट सीरियल से निकलेंगे। और मैंने आपको 786 दिखाई दिया है स्टार्टिंग में, तो वो तो इस बंडल की जान होती है। ये भी अच्छा नंबर है वैसे, 786776। सारे ही अच्छे हैं, बट कुछ नोट अकेले में अच्छे बिक जाते हैं। ये देखिए, एक बार आप चेक करना गूगल में और डाल के देखना, ये बहुत रेयर आइटम है, रेयर है, और आने वाले टाइम में और भी रेयर हो जाएगी। और अभी मैं एग्जीबिशंस को ट्रैक कर रहा हूँ क्लोजली, आपको ये बंडल अब काफ़ी महंगा मिलेगा। पहली बात तो मिलेगा नहीं, जो मिलेगा तो वो काफ़ी रेयर होगा, काफ़ी महंगा होगा, आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कुछ मिलता नहीं है, मिल सब कुछ जाता है, पैसा देना पड़ता है, पर ऑब्वियसली एक प्राइस के बाद फिर आप सोचते हो कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट ये रेयर आइटम है। तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ही बंडल मंगवाया और वीडियो बनाया। अब मैं इसको रैप कर दूंगा। मेरे सब्सक्राइबर काउंट आप सबके प्यार से, आपके सपोर्ट की वजह से इंक्रीज़ हुआ है, बट प्लीज़ फिर भी मेरे को और ज़्यादा व्यूज़ चाहिए और कमेंट्स चाहिए। मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।